मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है और माहौल टाइट आजमगढ़ आ पहुंचा है, क्योंकि आपको बता दें बस कुछ घंटे में चुनाव प्रचार थम जाएगा और आजमगढ़ में आपको बता दें कि 25 मई को यहां पर वोट डाले जाएंगे और यहां जो प्रतिष्ठा है वो है यादव फैमिली की। जी हाँ, बदायूं की बात करें, धर्मेंद्र यादव जब बदायूं में थे तो आप यहाँ आजमगढ़ में चुनावी ताल ठोक रहे हैं और आजमगढ़ की बात करें बहुत महत्वपूर्ण सीट है, मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि अखिलेश यादव यहां से सांसद रहे और अब ये महत्वपूर्ण सीट इसलिए है कि दिनेश कुमार निरहुआ वर्सेस आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव के बीच मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन आज दोनों अपनी ताकत दिखा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रोड शो खत्म होने वाला है दोनों का। दोनों ने हमसे खास बातचीत में क्या कहा है पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर आजमगढ़ के लोगों से पूछेंगे कि माहौल किसका टाइट है। क्योंकि हम लोग यहाँ 1.5 साल मौका मिला रह के काम किए हैं, वो लोग जीते तो भी भाग गए, हारे तो भी भाग गए। 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा केहू जवन कके निरहुआ देखवले बा, पूरा आजमगढ़ चमके लागल सबके साफ देखाते बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथ है बा। आपके खिलाफ आपकी भाभी जी भी चुनावी मैदान में लड़ रही हैं, वहाँ रोड शो। वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है, रिश्ते में बहू कहते हैं हम लोग। आप ठेठ लगते हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो वो उनका असर नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, जिस पार्टी में वो अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं हमें कोई आपत्ति नहीं, और मैं तो चाहता हूँ बीजेपी के लोग जो कुछ करना हो वो अपनी तमन्ना पूरी जरूर कर लें, जिससे वो ये ना कह पाए हमने ये नहीं किया। आपको बता दें कि निरहुआ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, निरहुआ कह रहे हैं कि यहाँ इसे मुंबई बनाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री लेकर आएंगे, इसलिए आज आखिरी दौर में आपको बता दें प्रचार के लिए अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे जो भोजपुरी अभिनेत्री हैं वो भी चुनावी मैदान में पहुंची। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं और फिर अपने लोगों से जो यहाँ खड़े हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। कमल खिलाने, कमल कमल खिलाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं और उम्मीद है आजमगढ़ की जनता सही चुनाव करेगी और इस बार निरहुआ जी ही आएंगे। मोदी जी के लिए भी आए हैं यहाँ पर, पूरा राम में हुआ है आजमगढ़ इस वक्त, इससे बड़ी बार बात और कुछ भी नहीं हो सकती। बिल्कुल कमल खिलेगा, पूरा आजमगढ़ आप देख सकते हैं भगवा मय हो गया है, आजमगढ़ में पक्का कमल खिल रहा है और 400 बार में प्रधानमंत्री जी को और सशक्त आजमगढ़ बना रहे हैं। सीधे कमल का बटन दबाना है, निरहुआ जी को जिताना है, सीधे कमल का बटन दबाना। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे, तमाम लोग आजमगढ़ के हमारे साथ आ गए हैं कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है और किसका माहौल टाइट है। यहाँ आजमगढ़ में किसका माहौल टाइट है? अब आज तो आपने देखा ही होगा कि बाहर की जनता तो बाहर है, अंदर की जनता जो बहन बेटियां अंदर है, फूलों की वर्षा हो रही है। कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा है, धर्मेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पे जनता चुनाव लड़ रही है, अब बहन बेटियां फूलों की वर्षा कर रही हैं, ऐसा स्थिति कभी देखने को नहीं मिलता था। साइकिल की माहौल टाइट है मतलब? अरे माहौल टाइट है कि आने वाले 4 तारीख को आप बताइएगा कि कौन टाइट है, हालात बदलने जा रहे हैं। हालात बदल रहे हैं कह रहे हैं। मेरा नाम परवेज आजमी है। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। अच्छा, ये मुस्लिमों का नारा है और हम लोग चूंकि मुस्लिम जाएगा बीजेपी को? बिल्कुल जाएगा। नहीं, आपका नाम क्या सर? अहमद रजा मेरा नाम। राजा साहब जाएंगे मुस्लिम? बिल्कुल, हम लोग कमल के फूल पर जा रहे हैं। तो यहाँ तो एम बाई फैक्टर लेके चल रहे हैं इस बार के? ऐसा नहीं होने वाला है। नहीं, एम बाई फैक्टर अभी नहीं? नहीं नहीं, एकदम नहीं होगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो धरातल पे उसमें काम किया, जमीनी स्तर पे काम हुआ है। मुस्लिम जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। मुस्लिमों को चाहिए क्या? एजुकेशन में यहाँ विश्वविद्यालय मिल गया, एयरपोर्ट मिल गया सुविधा के लिए, संगीत महाविद्यालय मिल गया, अटल आवास बनी गया है, अब क्या चाहिए बताइए? और क्या चाहिए? ये कह रहे हैं मुस्लिम भी जा रहे हैं। अब सुन लीजिए, मैं आपसे बहुत गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि अभी नौजवान मेरा छोटा भाई है। अब मुबारकपुर के दोनों साथी, दोनों का बूथ नंबर नोट कर लीजिए। ये ऊपर से जितने मुसलमान भाई केस मुकदमा में इधर उधर जो है धक्का खा रहे हैं, वो सीधे लाल पीला हरा पहन के घूम रहे हैं, इनका पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, गारंटी से कह रहा हूँ। मुबारकपुर का एक एक घर का बच्चा समाजवाद के साथ खड़ा है। सर किसका माहौल टाइट? पूरी खानदान में, मेरी पूरी खानदान में 151 नहीं है, मेरी पूरी खानदान में 151 किसी परिवार पे नहीं है। मैं आजाद भाई का ये जवाब दिया हूँ, इन्होंने कहा कि गमछा लगा लेते हैं, पूरी मेरी खानदान में 151 किसी के ऊपर नहीं। चलिए, माहौल किसका टाइट लग रहा है? माहौल भारतीय जनता पार्टी का है,
निरहुआ यहाँ से सांसद होंगे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में 410 से सीट से ज्यादा सीट पाएगी। हाँ। ये पूर्ण विश्वास है। और जहाँ मुसलमान भाइयों की बात है, मैं आपको आज लिख के दे दूं, मुसलमान हमारे साथ खुल करके आया है। MY फैक्टर हवा में उड़ चुका है। जमाना था किसी समय मुलायम यादव जी का, चुनाव जीतने के बाद कभी सदर लोकसभा पे नहीं आए वापस। यही अखिलेश चुनाव जीते थे, अपना सर्टिफिकेट लेने नहीं आए। यही धर्मेंद्र यादव जब बदायूं से भगा दिए गए आजमगढ़ आए, 1.5 साल के चुनाव में, चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल पूछने या कमल खिल जा रहा है। बाबूजी क्या किसका माहौल था? भाजपा का लग रहा है, भाजपा जीते भैया। ये कह रहे भैया सपा का माहौल टाइट बदला हुआ है, भाजपा का विधायक है, इनके यहाँ जब सुनिए इनके यहाँ जब मनोज तिवारी जी जब गोरखपुर में सपा से चुनाव लड़ रहे थे, तब मनोज तिवारी नचनिया पतनिया नहीं थे। अब आज BJP में आके सांसद हो गए दिल्ली में, निरहुआ आजमगढ़ के इतिहास को चेंज कर दिया, तो नाचने और गाने वाला हो गया। हमारे सपा के भाई साहब अभी ने कहा, इन्होंने विकास बोला, विकास नहीं हुआ है। जो सिलेंडर आज 10 साल पहले हम लोग जाके लाइन 4 बजे भोर में लगाते थे, उस सिलेंडर का गैस आज हमारे घर में घुसा है, पाइप घुस गए। जिस सिलेंडर को हम लोग चेक करते थे, मतलब गैस खत्म हो गया। आज तक पता नहीं हम लोग चेक। आप अपनी जगह खड़े हो, मैं आ रहा हूँ सब पे आ रहा हूँ जल्दी। सर क्या मुद्दे रहने वाले आज हम करते, क्या लगा? विकास, और विकास हुआ है, और इसी मुद्दे पे BJP 400 पार हो गई। लेकिन MY फैक्टर नहीं लग रहा? नहीं नहीं कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा? देखिए आजमगढ़ सबको मिलेगा जब आजमगढ़ में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव लड़े थे, तब पूरा परिवार टूटा था। आज लड़ाई इतनी आसान नहीं, एक तरफा नहीं कही जा सकती। आज मुलायम सिंह का पूरा परिवार टूट पड़ा, एक तरफ निरहुआ अकेले लड़ रहे हैं, और सारा डिपेंड हरिजन वोट पे है। हरिजन वोट डिसाइड करेगा कौन जीतेगा। हरिजन किधर दिख रहा है? अब हरिजन भाई मायावती का अभी क्या फरमान आएगा उस पर डिपेंड करेगा, और हरिजन किधर जा रहा है। हरिजन सपा पे तो नहीं उतना जाता है जितना लोग उम्मीद। क्या माहौल सर साइकिल का है। लोग बोलते हैं कि निरहुआ यादव यहाँ रहते हैं, कभी आप उनकी आवाज़ पे चले जाइए, 1 मिनट नहीं मिलेंगे। उन्हें जो चेले चप्पड़ हैं सर, परसों मिलेंगे, परसों जाइए, नहीं पर सर अगले दिन मिलेंगे, सर अगले दिन जाइए, सर अगले दिन मिलेंगे, कभी मिलते नहीं। क्या क्या धर्मेंद्र के जीत गए धर्मेंद्र जीत जाएंगे क्या जा रही है हमारी धर्मेंद्र जी का ये क्या माहौल? आपको लग रहा है कि यहाँ कमल खिलेगा या साइकिल? चलिए आप बताइए यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। बड़े भाई का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, तो मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि मार्च 2023 में आपने बिजली विभाग के 3000 कर्मचारियों के परिवार का भोजन छीन लिया, और उनसे वादा किया कि अभी मैं आदेश कर रहा हूँ UPPCL के चेयरमैन को कि सबकी रोजी रोटी वापस की जाएगी, और आज तक किसी की रोजी रोटी वापस नहीं की गई। राम राज की बात की जाती है, तो क्या मेरे बड़े भाई बताना चाहेंगे कि राम राज में किसी का हक छीना गया है? अभी पूछूंगा भैया माहौल क्या लग रहा है? देखिए पूरे देश में माहौल जो दिख रहा है वो पूरा देश देख रहा है, और कहीं ना कहीं पूरी भाजपा घबराई हुई है। प्रधानमंत्री आके बनारस में उन्हें टिकना पड़ता था, 14 में एक दिन के लिए आए, पर्चा दाखिल किए, कभी नहीं आए। अब नारी अभिनंदन कर रहे हैं, गुजरातियों को वापस गुजरात भेजा जाए। ये वही आजमगढ़ है जिसे अपनी सैफई और समाजवादी अपनी धरती बोलते थे, आज पर्चा दाखिला करके अखिलेश यादव के प्रमाण पत्र लेने नहीं आए, यहाँ पर्चा दाखिला करके धर्मेंद्र यादव हार के गए। सुन लीजिए मुलायम सिंह यादव नेताजी की एक कार्य, उन्होंने बोलते कि उनकी सरजमी रही है, नेताजी पर्चा दाखिला के कभी प्रमाण पत्र लेने नहीं आए, लेकिन आज धर्मेंद्र यादव 19 में हार के गए। दोबारा जिस दिन से पर्चा भरे हैं, पूरा सफाई परिवार गली गली किसी होटल में जाइए, सफाई मथुरा फरुखाबाद की गाड़ियां भरी हुई हैं, होटल भरा हुआ है, पसीने आ रहे हैं। मेहनत होती है, बदलाव हो ही ना, अब मेहनत होती है, बदलाव हो जाएगा। बदलाव कुछ नहीं होने वाला है, बदलाव तो 19 में, बदलाव और संविधान बदलने की
और मुसलमानों के डराने के बाद ये लोग 19 में भी करते हैं। एक बड़ा सवाल धर्मेंद्र, देखिए अभी हम बात करते हैं, निरहुआ आया आइए रुकिए आप आगे आ जाए, निरहुआ से बात करते हैं तो वो कहते हैं भैया अगर इनको जिता देंगे ये तो भगोड़ा है, ये तो सैफ ही भाग जाएंगे। एक बात बताइए मेरे साथी कि समाजवाद का ये आज का देश नहीं है, 1977 से लगाए और आज तक समाजवादियों ने जो देने का काम किया है, हम प्रमाण पत्र लेने नहीं आते, हम जनता के वो चले जाते हैं जीतकर, हम प्रमाण पत्र देते हैं। जिस जगह पे नौजवान खड़े हैं पूछो, शिवली एकेडमी हो चाहे अल्लामा शिवली नुमानी की धरती पे मैं खड़ा हूँ, और यही हरियाउत कला है, यही पे कलेक्टेड है, यही पे कमिश्नरी है। एक मिनट कीप साइलेंट दिस टाइम प्लीज कम, नो दैट पॉइंट विद दिस टाइम, नो रॉन्ग पॉइंट, आप सब वेल क्वालिफाइड हो नेशनल में, ठीक है, लीगल पोस्ट का चेयर्स। मेरा ये कहना है कि जब तक लोकतंत्र में वोट देने वाला और वोट लेने वाला दोनों समझदार हो जाए तो भगौड़ा पे जवाब दीजिए ना, अरे भगौड़ा तो भागने वाले हैं। हारने के बाद कभी धर्मेंद्र जी आजमगढ़ में कभी आए नहीं, धर्मेंद्र चुनाव हारने के बाद कितने दिन आए पास इनसे ये पूछ लिए, हारने के बाद धर्मेंद्र जी कभी आजमगढ़ में दिखे नहीं। मैं दूसरी बात बोल, आवाज कहां समाज बना हुआ, आवाज देखिए, देखिए कार्यकर्ता का आवाज खड़ी है, बात वो लोग करते हैं जो आज तक नारी सम्मान की 20 मुख्यमंत्री होते हुए एक भी देश में नारी मुख्यमंत्री नहीं है। ये समाजवाद नहीं है, परिवारवाद है, परिवारवाद खरीद लिए हैं, आवास के जमीन उनके कार्यकर्ता के नाम से थी, बना बनाया घर खरीदे हैं, धन पशु कुछ भी कर सकते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, आप सुन लीजिए, चंदा देकर धंधा पाओ, चंदा देकर धंधा पाओ, आप बांध भरो प्रीपेड, और नहीं तो तुम्हारे घर पर जाएगी सीबीआई ईडी की। ये चंदा मार पार्टी, चंदा मार पार्टी बात करेगी, आम्रपाली आई है, निरहुआ आया है, ये खाली दिखा आप ही लोगों ने निरहुआ को बोला, यही सम्मान है, यही सम्मान है अम्रपाली जी का, यही सम्मान है। यहाँ नहीं, किसी भाजपा कार्यकर्ता ने किसी भाजपा कार्यकर्ता ने डिंपल भाभी को एक शब्द नहीं कहा, बेटी भी आई है, डिंपल की बेटी भी आई है प्रचार। ये रामपुर में जयप्रदा के कपड़ों का कलर बताने वाले नारी सम्मान क्या जानेंगे आप? नारी सम्मान सदियों से पहल बैठा, जवाब ले लो, एक मिनट देखो भाई, आप बोलो तो हम बोल रहे हैं, एक बार बोल, मैं आप पे आऊंगा। सदियों से नारी के सम्मान के लिए आप खड़े हैं, नहीं आपने अक्षरा की नकल, हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में, मणिपुर देखिए, हाथरस देखिए, सालों साल बहन बेटियां मणिपुर से मांग रही है इंसाफ। भाई मेरे मुजफ्फरनगर जलाने वालों से मणिपुर शोभा नहीं देता, भूल गए भाई, ये मुजरा होता रहा, टेंट में बच्चे मरते रहे, वो कागज में है, मणिपुर से इस बार आजमगढ़ में मुद्दा क्या रहने वाला, मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा, विकास, विकास का मुद्दा है आजमगढ़ में, और जो है एक तरफ भगौड़ा एक तरफ स्थायी, दोनों बाहरी प्रत्याशी है। मुद्दा क्या रहेगा अब की बार? शिक्षा मुद्दा रहेगी और रोजगार मुद्दा रहेगा। मुद्दा क्या रहेगा? शिक्षा इस बार बीजेपी का सफाया हो गया है आजमगढ़ से। बीजेपी में इन लोगों ने क्या किया है, ना ये कोई रोजगार दिया है और नहीं अग्नि बिल ला दिया है बच्चों के भविष्य को। मुद्दा क्या रहेगा? देखिए इधर देखिए, आजमगढ़ में जो एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ के किसान आंदोलनरत है, ये भाजपा ने, ये जो भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस ने लाया था उसको बदल दिया कि किसानों को कम पैसा मिले, वहाँ के किसान आंदोलनरत है, उसके बारे में नहीं बोलते हैं भाई। किसान आंदोलन में किस चीज के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे, कंफ्यूज है पूरा माला। एमएसपी की लड़ाई थी, एमएसपी की लड़ाई थी, जमीन जा रही थी, 20 तारीख हो रहा है एयरपोर्ट का, किसान 2 साल से धरना दे रहे हैं भैया। मैं आपको बता दूं कि 40 साल में सड़कें बन गई है, किसान सड़कें गांव-गांव बन गई है, प्रशासन गांव-गांव पहुंच रहा है, बौखलाहट से बात की है। आज तक सांसद निरहुआ नहीं गया वहां, सांसद निरहुआ एक बार भी नहीं, सांसद निरहुआ यहीं फिल्में बना रहे हैं, वो कह रहे एक बार भी नहीं, सांसद निरहुआ कहते हैं हम तो यहाँ
फिल्में बना रहे हैं और यहाँ मुंबई मुंबई बना देंगे, यहाँ फिल्म सिटी बना देंगे। भाई मुंबई एक मिनट को भाई, जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब दे, अच्छा लगता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि निरहुआ जी बाई नेचर बहुत अच्छे आदमी है, इसमें नो डाउट, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा। एक मिनट सुन लो बेटा, बेटा सुन लो, मेरी उम्र 50 साल हो गई, 50 साल वाला बोलना सुन लो। आपसे बता दूं कि निरहुआ जी बाई नेचर अच्छे हैं, लेकिन जहां जहां उन्होंने फिल्मी शूटिंग किया है सब बाबू के यहाँ हुआ है, एक भी शूटिंग कहीं घुरा हुआ घर नहीं हुआ है। सिर्फ सिर्फ पता कर लेना पत्रकार साथी, सिर्फ खाली ठुमका लगाने से काम चलेगा। एक मिनट, भाई ने अभी बोला ये मैंने बात किया था महिला सम्मान पे, इन्हीं लोगों ने निरहुआ को राजनेता बनाने की कोशिश किया और मझधार में ले आके छोड़ दिए। और नारी सम्मान क्या जाने, रूपाली के बारे में गलत शब्द होने वाले, नारी सम्मान क्या जाने। नेताजी ने बोला था निरहुआ ठुमके लगा रहे हैं, कलाकार है उसको कलाकार दिखा रहा है, बोलते क्या पसंद किसी को है। जिया बच्चन को राजतवा क्यों भेजे, जिया बच्चन को राजतवा क्यों भेजते हैं, पूछिए जिया जी कभी उनकी क्या। जया बच्चन, जया बच्चन, जया कलाकार रही। अरे मेरी बात सुनिए, हम तो कलाकारों का सम्मान करते हैं, पत्रकार साथी हम तो कलाकारों का सम्मान करते हैं। पूछो निरहुआ जी से कि यश भारती सम्मान किसने किया था, किसने किया था, हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते मेरे बाबा स्वतंत्रता से ला देते, आज फर्जी देशभक्त बनते हैं। ऐसे देशभक्ति नहीं चाहिए, देश को आजमगढ़ का चाहिए माहौल क्या। चार लाख वोट से धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं आजमगढ़। आजमगढ़ का हर एक बिजली मजदूर ऊर्जा मंत्री से यह पूछता है कि आपने वादा खिलाफी क्यों किया, मजदूरों को उनकी रोजी रोटी वापस क्यों नहीं दी, उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन रिकॉर्ड। एक जगह कहते हैं कि हम यूपीपीसीएल के पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन को आदेश करते हैं कि सभी आदेश निरस्त किए जाए। रुक जाइए, 3000 लोगों निकाल के बाहर रुकेगा। उसके बाद दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि मैंने तो सबको कहा था कि आप वापस अपने काम पर। रोजगार, इनके सरकार में 82% से ज्यादा बेरोजगारी दर हो गई है, आउटसोर्स कर्मियों का रोजगार छीन लिया गया। भाजपा सरकार में आजमगढ़ के 3000 से ज्यादा आउटसोर्सिंग कंपनी के बिजली कर्मी निकाले गए, आउटसोर्स कर्मी को उन्होंने निकाल फेंका। मजदूरों को हक छीनने की सरकार काम कर रही भाजपा सरकार। रुक जाइए, आप कौन सा रोजगार, कौन सा काम करते हैं, आप कौन सा काम करते हैं, कहां की व्यवस्था है बताइए, बिजली विभाग की बात। आप रोजगार करते हैं? हाँ करते हैं। रोजगार में क्या करते हैं? आउटसोर्सिंग के जरिए रोजगार होता है। आपने पढ़ाई लिखाई किया है? पढ़ाई लिखाई किया है। कहां तक किए हैं? डिप्लोमा किए हैं। कौन सा डिप्लोमा किए हैं? इंटर पास हमारा चल रहा है। अरे इंटर पास कौन सा डिप्लोमा, नाम बताइए। हम आपका जवाब दे, नाम बताइए भाई मेरे, रुकिए। इंटर पास हम आईटीआई कर चुके हैं। आईटीआई किस स्टेट से किया है? इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, आउटसोर्सिंग के। आप इलेक्ट्रीशियन से किए हैं? कौन से स्थान में किया आपने? हम 2019 में किए। 2019 से आज तक आप बेरोजगार हैं? आप बेरोजगार बैठे हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ संविदा पे। मार्च सुन लीजिए बड़े भाई, बड़े भाई मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ। मार्च 2023 में, दिसंबर 2022 में ऊर्जा मंत्री महोदय ने 3/12/2022 को वादा किया कि 15 दिन के अंदर मजदूरों का पेमेंट बढ़ा के 15,000 से 22,000 के बीच में किया जाएगा, क्योंकि अन्य राज्यों में 24,000 से 22,000 पेमेंट दिया जाता है, यहाँ पे 8,000 से 10,000 पे काम कराया जाता है। आपकी नियुक्ति तो स्वैच्छिक रूप से हुई होगी, लॉलीपॉप लेके नियुक्तियाँ हुई नहीं। आपकी बात सही है, स्वैच्छिक ये चीजें नहीं होती है। आप स्वैच्छिक नियुक्ति में गए हैं, आपको दो आपको क्या लग रहा है, किसका निरहुआ? निरहुआ धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव ये तो कह रहे निरहुआ जीत रहे भाई, तो हम कह रहे धर्मेंद्र यादव, ये कह रहे 80 सीट और 400 पार हो जाएगा। क्या माहौल लग रहा है आजमगढ़ में? माहौल धर्मेंद्र जीत रहे हैं। क्या लग रहा है? धर्मेंद्र यादव धर्मेंद्र जीत रहे हैं 2,00,000 बार एकदम। मोदी मैं हम लोग हैं, निरहुआ जाएंगे हम लोग भैया। आने वाले समय में 40 सीट सपा के परिवार में ही जाने वाली है, सपा का परिवार में जाने, क्योंकि बच्ची बड़ी हो चुकी, बच्चा भी बड़ा हो चुका, ये लोग झंडा लेकर ढोएंगे, झंडा लेके जिंदाबाद। बस सिर्फ परिवाद है, परिवारवाद है और कुछ नहीं है। मोदी जी महान है, भारत की शान है, बस भैया, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं।
आजमगढ़ बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव यहाँ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं आपको बता दें निरहुआ दिनेश कुमार निरहुआ जो भोजपुरी अभिनेता है आज रोड शो चल रहा है। रोड शो के बीच ही ये हमारी चुनावी चाल चर्चा चल रही है। माहौल टाइट में हम लोगों से जान रहे हैं कि आजमगढ़ में कौन किस पर भारी पड़ रहा है और किसका माहौल टाइट है। लेकिन बात करें क्योंकि ये जातिगत समीकरण बहुत मायने है और पूर्वांचल में है तो वो बहुत असर करता है। चलिए और लोग हैं आज सर क्या लग रहा है किसका माहौल टाइट नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी है भारतीय जनता लग रहा है बीजेपी जीतेगी? नहीं बीजेपी नहीं जीतेगी। ये तो कह रहे हैं बीजेपी नहीं बीजेपी जीतेगी भैया क्या लग रहा है इस बार? जीतेगी जीतेगी बीजेपी जीतेगी बिल्कुल जीतेगी। काम किया है हर एक एक ईंट पे मुलायम सिंह यादव का नाम लिखा है स्वर्गीय। उपचुनाव में तो हार गए थे ना? अरे वो MY फैक्टर थोड़ा सा डिसमिस हो गया था। MY फैक्टर इस बार MY फैक्टर हमारे साथ है बदलाव होगा या MY फैक्टर चलेगा या कुछ और मुद्दा? देखिए MY फैक्टर तो चल रहा है मगर यादव भी जो है बीजेपी के साथ है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथ नहीं है। यादव जाएगा बीजेपी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है बिल्कुल जा रहा है बीजेपी के साथ जा रहा है और सारे वर्ग के लोग बीजेपी के साथ हैं क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनने वाली इसमें कोई शक नहीं है और उत्तर प्रदेश में सरकार अवेलेबल है। तो आजमगढ़ का विकास अगर चाहिए तो बीजेपी को लाना पड़ेगा दिनेश लाल यादव को सांसद बनाना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल ये कह रहे हैं कि MY फैक्टर इनका मजबूत है MY फैक्टर को मजबूत कर रहे हैं उससे सपा निकल जाएगी? नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं। MY फैक्टर फेल हो चुका है एकदम कोई इसे कोई मतलब गुड्डू जमाली का असर नहीं होगा क्या? गुड्डू जमाली का कोई असर नहीं है। ये चीफ अपने भाई को चुनाव जिताने के लिए गुड्डू जमाली को शामिल किया MLC बनाए कोई यादव नहीं दिखा उनको लिए गुड्डू चाहे MLC बनाए तक दुर्गा यादव जी को जो 10 बार से विधायक है उनको धक्का मार के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके गुड्डू जमाली को आगे लेके आ रहे हैं क्योंकि MY फैक्टर के आगे इनको कुछ दिखता नहीं है। और भी अधिक मुस्लिम जाएगा बीजेपी को क्या जाएगा? मुस्लिम मुस्लिम हमारे भाई हैं बीजेपी उनका क्या बिगाड़ी देंगे बीजेपी को वोट? मुस्लिम जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम का तो नारा है ना दूरी है ना खाई है मोदी हमारा भाई है ये तो हर तरह से। और मुसलमान का नुकसान क्या एक भी दंगा बता दीजिए हिंदू मुसलमान का एक बता दीजिए छोटा सा बता दीजिए कहीं भी। ये कहते हैं कि मुसलमान भी देख रहा है कोई दंगा नहीं हुआ कोई गुंडागर्दी नहीं हुई तो बताइए आप MY फैक्टर जितने बड़े भाजपाई उतने बड़े दंगाई तो पूरे देश भर में दंगा कराने वाले अभी मेरी मोबाइल गायब होने वाला है आदमी मैं मान लीजिए मोबाइल चोर हूँ आप मुझको मुख्यमंत्री बना दीजिए तो मैं सबका मोबाइल बचाने लगूंगा। अरे कहीं मेरे इल्जाम ना आ जाए। अरे ये क्या कर रहे कुछ नहीं देखिए कोई इनके पास मुद्दे नहीं है। आजमगढ़ की पूरी लड़ाई जातिगत समीकरण साधने में पूरी समाजवादी पार्टी लगी हुई है पूरा सभी परिवार यहाँ लगा हुआ है। आजमगढ़ में कोई इनको मुसलमान समाजवादी पार्टी का झंडा ढोने वाला नहीं दिखा। आजमगढ़ में कोई इनको समाजवादी पार्टी का झंडा ढोने वाला यादव नहीं दिखा। अरे भाजपा तो ऐसी पार्टी है जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को अपना CM बनाती है। आप यादव फैमिली पर ही भरोसा करिए। बात सुनिए भाई ये बताइए कि हम अगर किसी माइनॉरिटी को जोड़ रहे हैं चाहे किसी यादव को जोड़ रहे हैं किसी छत्री को जोड़ रहे हैं किसी राजभर को जोड़ रहे हैं फैमिली से क्यों? फैमिली मेरी बात सुनिए तो करेजा आपका क्यों फट रहा है? जोड़ने का काम हम ये पीडिया पीडिया चिल्लाने वाले आज ब्राह्मण क्षत्रिय को याद आ रहे हैं पीडिया क्यों? अरे यार पीडिया इसलिए किया गया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इनके पास सुल्तानपुर इसौली के अब्रार अहमद बिहाई ने खुलेआम ब्राह्मण क्षत्रियों को गाली दिया था। सर क्या मुद्दा क्या लग रहा है थोड़ा सा आगे आइए रुके आप क्या माहौल है? हमारे देश के नौजवान जो है ये जो बात करें बेरोजगारी की और रोजगार की बेरोजगारी और रोजगार में कोई सरकारी नौकरी दिखाई देता है ये भारतवर्ष में ऐसी परंपरा प्रदेश में डाली है कि नौकरी को रोजगार मानते हैं। आप ये देखिए कितनों को सरकार नौकरी दे सकती है और नौकरी के रोजगार माध्यम है नौकरी को रोजगार माध्यम नहीं है। ये लोग कार्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं नए लोग व्यवसाय क्षेत्र में जाना चाहते हैं नए लोग औद्योगिक परिषद में जाना चाहते हैं किसी क्षेत्र में ना जाए तो नौकरी देके तो माहौल किसका टाइट लग रहा है यहाँ पर आज? देखिए टाइट तो हमेशा जो राष्ट्र का विकास करे राष्ट्रवाद का चुनाव है केंद्र सरकार चुनाव है राष्ट्रवाद के मुद्दे में जो कार्य करे और सब मुद्दा टाइट रहेगा राष्ट्रवाद का जो मन वही जवाना टाइट। क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ? माहौल तो बीजेपी का भैया बीजेपी सपा 300 से जीत रही है सपा धर्मेंद्र भैया देखिए 300 सीट पूरे सपा कितनी सीट पर लड़ रही है कितनी सीट पर लड़ रही सपा 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 3,00,000 वोट से जीत रही है अकेले
यूपी में 300 सीट है। जनरल नॉलेज क्लियर करिए, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही इसको पहले क्लियर कर लीजिए। भैया क्या करें, जो परिवार को एक नहीं कर सका पड़ा, या तो यादवा की निरहुआ के पक्ष में आकर रोड शो कर रही है, वो राष्ट्र को एक करने की बात कर रहे हैं, मतलब क्या मजाक बनाए रखे हैं। सीट पे लड़ने वाला 300 सीट जीतेगा। अरे पीडीए चिल्ला रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सर, बीजेपी कह रही है 400 पार हो जाएगा क्या? अब 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन 350 में कहीं कमी भी नहीं होगी। अब माहौल कितना 400 पार माहौल कितना टाइट है, इसी से आप खुद अंदाजा लगाइए। पूरा परिवार गांव गांव गली गली घूम रहा है। 42 साल के विधायक अपने गाँव की सड़क नहीं बना पाए, निरहुआ उनके गाँव की सड़क बना के आज मंच से चिल्ला रहा है मेरे विधायक के गाँव का सड़क बनवा दिया। क्या क्या 25 मई भाजपा गई, अकेले यहाँ से जीत रहे धर्मेंद्र यादव, 4 लाख वोट से जीत रहे हैं धर्मेंद्र यादव। 4 लाख से धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार वोटर क्या देख रहा है आजमगढ़ का, क्या पहले की तरह कमल के? देखिए, राष्ट्र का विकास अपना विकास है। अगर राष्ट्र आगे जाएगा तो हम भी आगे जाएंगे, और राष्ट्र गर्द में जाएगा तो हम भी गर्द में जाएंगे। ये तो छोटे मोटे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई। जो लोग महंगाई की बात करते हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि 15 साल पहले 20 साल पहले 400 रुपए का सिलेंडर था, आज भी 400 रुपए का लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। 15 साल 20 साल पहले जिस परिवार का 5000 रुपए की आमदनी थी, आज के डेट में 20000 रुपए की आमदनी है। इस बात पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। महंगाई देखिए, ये देखिए, जो भाजपा के लोग हैं उनको महंगाई नहीं नजर आ रही है, क्योंकि गुजराती कंपनियां उनको यहां आकर जाब दे रही हैं, उनको संसाधन उपलब्ध करवा रही हैं। गुजराती लोग पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और इन भाजपाइयों को पोषण कर रहे हैं। तो हम सरकार बना रहे हैं तो महंगाई पे नहीं बना रहे? क्या माहौल लग रहा है सरकार बना रहे हैं? आजमगढ़ में निरहुआ जी बहुत अच्छे वोटों से विजयी हुए। भैया मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान से आया और मैंने यहाँ कई गाँव का दौरा किया, निरहुआ जी बहुत अच्छे वोटों से विजयी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ MY फैक्टर मुस्लिम यादव कह रहे की आजम हूँ, अखिल यादव जाएगा? मैं यादव हूँ, अखिल भारतीय अहिर महासभा का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। विरोधी कहते हैं कि भाजपा भी परिवार बात करती है, लेकिन सपा तो पूरा खानदान बात कर रही है। उन्होंने अपने परिवार के अलावा पहली बात धर्मेंद्र यादव जीतने के बाद आजमगढ़ दिखेंगे नहीं। अखिलेश मैं आ रहा हूँ, अभी चर्चा चल रही है, अताल मुद्दों पर बात करें। सर आप कह रहे हैं यादव हमारे साथ, मुसलमान आपके साथ, लेकिन यादव फैमिली से ही अपना यादव निरहुआ के लिए वोट मांग रहे हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि बड़ा अच्छा आप कह लेते हैं कि मान लीजिए अपर्णा जी उधर चली गई हैं, तो अभी तो मेरा ही परिवार है उधर जाके इधर का काम कर रही हैं। ये आपको मालूम है? ये आप, अरे रुकिए भाई, आपको ये मालूम है? अपर्णा जी से परसों रात में मेरी बात हुई, सुनो भाई काम वाली बात बता रहा हूँ, परसों रात में बात हुई, अपर्णा जी ने कहा कि तनको घबराइया मत, घर भर लपटिया ला, हम लपटिया नहीं है। लेकिन वो बेचारी उधर लपटियाई है कि उधर का अंदर का हवा पानी हम लोग को मिल रहा है और क्या। ये तो कह रहे हैं कि अपर्णा से फायदा इनको मिल रहा है। ये अपने दिल को बहलाने का ख्याल गाली बच्चा है। 14 में अपर्णा जी काम करती रह गई, 17 में भाजपा ने काम करके दिखाया, 19 में पटके, 24 में उठक के और तेज पटकेंगे। लगा लीजिए, सुन लीजिए, मैं अनमैरिड हूँ, इसी राहुल गांधी मैं अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। राहुल जी का गठबंधन ये लोग कर चुके हैं, यूपी को ये साथ पसंद है, युवा नेता के लिए घूमते रहे और जनता ने उठा के धरती पर। सुन लीजिए, अनमैरिड हूँ, शाकाहारी हूँ मैं इसीलिए शादी नहीं कर रहा हूँ। एक आई योजना अग्निवीर, लड़के सब ब्याह करके थोड़ा चला फिरा किए, सोचे कि अब मजा थोड़ा आएगा, अब गौनवा में जो है अग्निवीर से वापस आ गए। बार भाजपा गायब है, भैया ये अग्निवीर वाली इनकी हाइट है और ये अग्निवीर कह रहा है इतनी खुलकर बात बता रहे कि अपर्णा यादव मतलब इनके साथ है, इतना खुलकर बताना। मैं 100% कह रहा हूँ, मेरी बात लाइव हो रही है, लाइव बोल रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव है, बस वही है और कुछ नहीं है।
22 में सरकार बना के उत्तर प्रदेश में देखा पेपर के बारे में बात नहीं करते जीत रहे कहिए बनारस की सीट अपनी पहले बचा ले आप प्रधानमंत्री बनारस हार जाएंगे कोई बनारस की अपनी सीट बचा ले मोदी जी बनारस कभी नहीं आ रहे ना हारेंगे एमवाई की जो बात है एमवाई की 60 हमारा है 40 बंटवारा है एमवाई में उलझे लोग एमवाई नहीं है नहीं एमवाई में कह रहे हैं एमवाई नहीं क्या नहीं एमवाई नहीं चलेगा इस बार कहां एक बात सुनिए इनकर चली अरे एमवाई ना चली तो इनकर भी ना चली यादव हमारे साथ है यादव बीजेपी के साथ है चुनाव के वक्त इनको ओबीसी की याद आ जाती है यादव की याद आ जाती है जैसे ही चुनाव खत्म होता है आपको भी तो गुड्डू जमाली की याद आ रही है ना गुड्डू जमाली की जिसको भी याद आ रही है ठीक है जब इन्हीं के दल में सब पहले बीएसपी थे समाजवादी पार्टी के ही मिला यादव नहीं मिला जमाली जमाली